हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में। तो डायरेक्ट का मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी, मान लो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। इसको कहते हैं दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। ऐसे ही अगर मैं बोलती हूँ कि एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी, यानी सेम इफेक्ट शो करेगी और सेम प्रपोर्शन में शो करेगी। अब सेम प्रपोर्शन का क्या मतलब है उसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए मैं एक एलिमेंट लेती हूँ, जैसे कि एक्स और वाई, ये वेरिएबल्स हैं। एक्स और वाई से मैं दो क्वांटिटीज़ को डिनोट करूँगी। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स जो शो कर रहा है वो चॉकलेट्स को शो कर रहा है, ठीक है, और वाई जो शो कर रहा है उसके प्राइस को शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिलेशन कैसा है। तो सबसे पहले एक चॉकलेट अगर मुझे ख़रीदनी है तो मुझे कितना प्राइस देना पड़ेगा, मान लो 10 रुपीज़ की वो चॉकलेट है, तो 1 चॉकलेट 10 रुपीज़, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ाती हूँ, मुझे चाहिए 2 चॉकलेट्स, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 20 रुपये। अब मैं चॉकलेट का फिर से क्वांटिटी बढ़ाती हूँ, 3 के लिए मुझे देना पड़ेगा 30 रुपीज़, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो हर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होने पे फिर से 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, यानी 1 के रिस्पेक्ट में 10 का इंक्रीज़, यही हर बार चलेगा, यानी सेम प्रपोर्शन में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज़ होगा। इसी को कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब मैं मान लूँ यहाँ पे आपको बोल देती हूँ कि मैंने 5 चॉकलेट्स खरीदी, यहाँ पे मैंने 2 का इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो अब फिर से यहाँ पे 10 इंक्रीज़ नहीं होगा, प्रपोर्शन सेम रहना चाहिए। अगर आप यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हो तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो 1 के टाइम पे 10 इंक्रीज़ हो रहा था तो 2 के जगह पे 20 इंक्रीज़ होगा, तो यहाँ पे मुझे 50 रुपीज़ की वो चॉकलेट मिलेंगी। तो कहने का मतलब है डायरेक्ट रिलेशन है, तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, इसी का उल्टा भी सेम है। और जिस प्रपोर्शन में बढ़ रही है या जिस प्रपोर्शन में कम हो रही है उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगी और कम होगी। अब देखो हम इसको एक्स क्वांटिटी बोल रहे हैं और इसको वाई बोल रहे हैं, तो ये जो आपका फर्स्ट वाला नंबर होता है इसको एक्स वन बोलते हैं, इसको वाई वन बोलते हैं, इसको एक्स टू, इसको वाई टू, एक्स थ्री, वाई थ्री, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आपको बुक्स में कैसे इसकी इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी, आपको मैं ये दो चीज़ें कंपेयर करके दिखा रही हूँ, फर्स्ट टू, ठीक है। तो एक्स वन अपॉन वाई वन, यानी अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल होगा एक्स टू अपॉन वाई टू के, ठीक है, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों बराबर होगा और ये हमेशा सेम रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पे एक टर्म लिखते हैं कॉन्स्टेंट, के रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टेंट को, ठीक है। तो एक्स वन वाई वन का रेशो, एक्स टू वाई टू का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, के को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक्स थ्री वाई थ्री भी लेती हूँ तो वो भी इक्वल रहेगा, एक्स थ्री और वाई थ्री का रेशो भी, इनको कट करोगे हमेशा 1/10 आएगा हमेशा, ठीक है। तो यही है डायरेक्ट रिलेशन। अब देखते हैं इन्वर्स रिलेशन किसको कहते हैं। इन्वर्स रिलेशन का मतलब है एक दूसरे के साथ ऑपोजिट रिलेशन होना, यानी कि उल्टा रिलेशन होना। अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाऊंगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, एक को कम करूंगी तो दूसरी बढ़ेगी, यानी दोनों का उल्टा रिलेशन है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। एक्स जिसमें डिनोट कर रहा है मान लो स्पीड को, और वाई डिनोट कर रहा है टाइम को, ठीक है। तो अगर मानते हैं हमने स्पीड रखी है 20, एक ट्रक है वो 20 की स्पीड से चल रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, लेट सपोज उसको 30 आवर्स लगते हैं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। अब हमने अगर स्पीड बढ़ाई, यानी स्पीड को इंक्रीज करा, तो टाइम कितना, टाइम कम होगा ना। तो एक को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो स्पीड और टाइम, यानी दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में हम कह सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशन है। ऐसे ही अगर ये स्पीड जो है 40 कर दी मैंने, 40 की स्पीड कर दी, तो अब 15 आवर्स में पहुँच जाएगा ट्रक, ठीक है। 40 से मान लो 60 कर दी तो 10 आवर्स में पहुंच जाएगा, और कम टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। तो जैसे जैसे हम ये इंक्रीज़ कर रहे हैं एक्स की क्वांटिटी, टाइम जो है यानी वाई क्वांटिटी जो है डिक्रीज हो रही है। इसी रिलेशन को कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। इसका उल्टा भी इन्वर्स रिलेशन में आएगा, जैसे एक को डिक्रीज करें तो दूसरा इंक्रीज करें, ठीक है। अब फिर से ये है आपका एक्स वन, ये है वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री,
वाई थ्री, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स वन और अगर वाई वन को आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, वो हमेशा इक्वल आएगा एक्स टू वाई टू के मल्टीप्लिकेशन के, एक्स थ्री वाई थ्री के मल्टीप्लिकेशन के, यानी अगर इनमें से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे 20 × 30 = 600, 40 × 15 फिर से 600, 60 × 10 फिर से 600। ठीक है, तो आपको इक्वेशन में कैसे लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में, एक्स वन इंटू वाई वन इक्वल्स टू एक्स टू इंटू वाई टू इक्वल्स टू के, के मतलब होता है कॉन्स्टेंट, यानी एक वैल्यू जो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स टू इंटू वाई टू इक्वल्स टू एक्स थ्री इंटू वाई थ्री। ठीक है, या अगर एक्स फोर दिया हुआ है तो एक्स फोर इंटू वाई फोर, किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर हमेशा सेम आएगा। आई होप आपको इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, तो ज़रूर देखना, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको इन सब चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है।